अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात। तो ट्रिक नंबर वन जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है यार, एंड 90% ऑफ द टाइम मैं यही इस्तेमाल करता हूँ, एंड इट इज डाउन अप ड्रैग। कन्फ्यूज नाउ, इट इज रियली सिंपल। इस ड्रैग को करने के लिए आपको सिर्फ एक स्टेप फॉलो करना है, एंड हाँ, इन सारे ट्रिक्स को सीखने के बाद यार लिटरली आपका हेडशॉट रेट इजीली 90% से ज्यादा हो सकता है। एंड ये ट्रिक्स मोबाइल वालों के लिए भी है, पीसी वालों के लिए भी है, हाई डिवाइस लो डिवाइस सब के लिए यार, तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा, सही है ना। सो पहले मैं आपको यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में समझाता हूँ कि कैसे करना है ये वाला टेक्निक, एंड उसके बाद फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मतलब मैंने इन गेम जो हेडशॉट मारे हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा एज अ प्रूफ। सो इसका नाम है डाउन अप राइट। तो सिंपल है, पहले आपको फायर बटन ऐसे नीचे प्रेस करना है, फिर ऊपर ड्रैग करना है हेड की तरफ, इतना सिंपल है। लेकिन 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 सबकी सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है राइट। सो किसी का एम अगर सर के ऊपर हो, रेड एम, याद रखना अगर एम रेड हो तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, व्हाइट हो तब भी काम करता ही है, लेकिन अगर रेड हो तो फिर बहुत अच्छा काम करता है। आपने ये खुद ट्राई करना है, इतना कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। अगर एम सर के ऊपर पहले रखें एंड ट्राई करें, अगर उससे अच्छा ना लगे तो फिर चेस्ट के साथ ट्राई करें, अगर उससे भी ना लगे तो फिर पाँव के साथ ट्राई करें, सही है। हर किसी की सेंसिटिविटी के हिसाब से ये अलग होता है, लेकिन तरीका वही है, पहले आपने फायर बटन को नीचे प्रेस करना है फिर ऊपर प्रेस करना है, लाइक दिस। मैं कस्टम हर्ट चेंज करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो पहले वाले कस्टम हर्ट में मैंने फायर बटन हटाया हुआ है, मतलब हटाया नहीं, हाइड किया हुआ है। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको ये फायर बटन नजर आ रहा है ना, तो लाइक पहले आपको ऐसे नीचे करना है ऐसे, एंड फिर ऊपर करना है, एक साथ आपने स्मूथली करना है, मतलब झटके से ऐसे करके नहीं करना, बहुत स्मूथली आपको करना होगा तभी ये काम करेगा, लाइक दिस। अगर आप मोबाइल प्लेयर हो तो आपको उंगली यहाँ पे रखनी है जहाँ पे आपको डॉट नजर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका एम पहले नीचे जाएगा एंड फिर आप ड्रैग करो हेड की तरफ। एंड अगर आप पीसी प्लेयर हो तो आपने हल्का सा माउस नीचे करना है, बिल्कुल हल्का सा, एक स्मॉल सा हल्का सा नीचे करके फिर ऊपर ड्रैग करना है, ऑलराइट। ओके, सो वन लास्ट टाइम, पहले आपको एम नीचे करना है फिर ऊपर हेड की तरफ ले जाके ओनली रेड आपके लग सकते हैं। ओके, सो हम क्लेश स्क्वाड रैंक में यहाँ पे मैंने ये वाला टेक्निक ट्राई किया था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो सामने बंदा हेडशॉट, ये आपको अभी नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये बहुत फास्ट हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ, सबर करें। देखिए पहले एम नीचे फिर ऊपर, अभी आपने देख लिया होगा ना, अभी और हेडशॉट भी मैंने ऐसे ही मारे हैं, वो भी आप ऑब्जर्व करना, ये वही राउंड है दोस्तों, आप ऑब्जर्व करें। देखिए पहले नीचे फिर ऊपर, इसके बाद अब दूसरा बंदा भी आएगा, उसको भी मैं यही टेक्निक यूज करके मारूंगा, ऊपर पहले नीचे फिर ऊपर, सॉरी एम एन आखिरी बंदा है, देखे 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 सबर करें, पहले एम नीचे फिर ऊपर, ये बहुत तेजी से होता है, मतलब लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन मुझे तो इसीलिए बताया ना क्योंकि मैंने ये टेक्निक यूज किया है, ऑब्वियसली मुझे पता होगा। लेकिन मैं इतना बताता चलूं यार कि अगर आपने ये वाला टेक्निक मास्टर कर लिया तो आपका हेडशॉट बहुत इंप्रूव होगा, आप बहुत ज्यादा वन टैप एंड ओनली रेड मार पाओगे। अब जाते हैं सेकंड ट्रिक की तरफ, जिसका नाम है वी ड्रैग। तो नाम मैंने वी इसलिए रखा है, आप इसको टिक ड्रैग भी कह सकते हैं, वो टिक निशान नहीं होता क्योंकि इसका तरीका कुछ ऐसा ही है यार। लेकिन यार ये इतना मजे का ट्रिक है ना, कसम से मैं हैरान हो जाता हूँ कभी कभी कि ये गरीना का कोई ग्लिच है क्या, सीनल इस वाले ट्रिक से इतने मजे के हेड लगते हैं। तो तरीका सिंपल है, आपने ऐसे वी या टिक करके आपने हेड की तरफ ले जाना है, लाइक सिंपल सीधा करके नहीं करना, ऐसे करके करना है, लाइक दिस। अब देख सकते हैं मैं पहले ऐसे नीचे करके फिर ऊपर कर रहा हूँ वी शेप या टिक शेप। बहुत सारे यूट्यूबर ये वाला ट्रिक ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, लेकिन एक कॉमन गलती जो आप लोग कर सकते हैं जिससे आपके ये हेड बिल्कुल लगेंगे ही नहीं यार, ओनली बॉडी लगेंगे। देखो अभी मैं वी करूंगा लेकिन बॉडी लगेंगे, ये तो हेड लग गया। अभी देखिए मैं एक गलती करूंगा फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि कौन सी गलती है, उससे बिल्कुल बॉडी पे ही चिपकता है यार। गलती ये है ना दोस्तों कि आपने जब ये वी करना है तो आपने ये फायर बटन जो है ना, ये एनिमी के लेफ्ट साइड की तरफ जितना खींच सकते हो खींचो अपने फायर बटन को, लाइक पहले नीचे फिर ऊपर, लेकिन लेकिन आपने जहन में रखना है ऐसे करके। देखिए मैं क्लोज रेंज में जाता हूं, ऐसे करके, देखिए ऐसे, लाइक इधर नहीं ले जाना, ऐसे करके नहीं जाना, ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, बहुत इजी है यार, कोई ग्लिच टाइप लगता है यार, बिल्कुल हेड मिस ही नहीं होता इससे यार। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं, लाइक दिस, एक मिनट, लाइक दिस, ये भी वी वाला था, एक और दिखाता हूं फिर मैं इसकी कुछ खामियां भी आपको बताता हूं, लाइक दिस, कितने मजे के हेड लग रहे हैं राइट, आप देख रहे हैं ना। ओके, अब खामियां ये है ना कि अगर एनिमी ज्यादा इधर उधर, मतलब लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूं, तो फिर इस वाले ट्रिक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कोशिश करना कि जरा वेट करो कि एनिमी आप पे फायर स्टार्ट करे, तब आप ये वाला टेक्निक यूज करना। एंड हाँ, दूसरी बात, क्लोज रेंज में ये बिल्कुल डेडली है यार, लेकिन लॉन्ग रेंज में इसका इतना मजा नहीं है, तो क्लोज रेंज में ही ज्यादातर इस पर फोकस करना। लॉन्ग रेंज के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहला वाला जो ट्रिक है ना, अप डाउन वाला, वो ज्यादातर यूज किया करें। बात करते हैं थर्ड ट्रिक की, जो कि है लर्न ऑल मास्टर वन। इस ट्रिक को समझाने से पहले मैं ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने
आपने गेम प्ले वीडियो के लिंक्स डाल दिए हैं। इन ट्रिक्स को समझने के बाद आप जाके चेक करना एंड ऑब्जर्व करना कि कौन सा टेक्निक मैंने कहां पे यूज किया है। यकीन मानो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा यार। अच्छा, लर्न ऑल मास्टर वन का मतलब ये कि अगर आप हैकर लेवल और हेडशॉट प्लेयर बनना चाहते हो ना, तो आपने हेडशॉट ड्रैग के जितने भी सारे ट्रिक्स टेक्निक्स है वो सारे के सारे सीखने हैं। लेकिन 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 मास्टर आपने सिर्फ वही करना है जो कि आप फिर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करोगे। मैंने जो मास्टर किया है वो है डाउन अप ड्रैग। अब ये मैंने तुक्के से मास्टर किया, कोई प्लानिंग नहीं की है, मतलब ये मुझसे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ज्यादातर यही यूज करता हूं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है ताकि अगर फिर डिफरेंट सिचुएशन आपके सामने आए एंड आपका मेन हेडशॉट टेक्निक काम ना करे तो आप दूसरा टेक्निक यूज कर सकोगे बजाय इसके कि आप नुबड़े बन जाओ। एंड आप लोगों की आसानी के लिए मैं क्विकली बता देता हूं कि यार ये सारे टेक्निक आपने किस तरह एंड कहां से सीखने हैं। फ्री फायर में भाई ड्रैग हेडशॉट के 3 एंगल्स एंड 2 मेथड है, एंगल हेड चेस्ट एंड फीट यानी पांव। एंड टेक्निक क्या है, एक स्ट्रेट ड्रैग जिसमें आप फायर बटन को प्रेस करके सीधा एनिमी की हेड की तरफ ले जाते हो। एंड दूसरा टेक्निक रोटेशन ड्रैग है जिसमें मतलब आप फायर बटन को सीधा नहीं प्रेस करते, मतलब घुमा के ऐसे प्रेस करते हो ना। तो ये जितने भी जो अदर मेथड्स है ना, लाइक फुल रोटेशन ड्रैग, यू ड्रैग, डाउन अप ड्रैग, वी ड्रैग जो मैंने अभी सिखाया, ये सारे इसी रोटेशन ड्रैग के छोटे छोटे ब्रांचेस है। तो जितना हो सके ये सारे सीख लेना यूट्यूब वीडियो से, मेरी वीडियो से। लेकिन मास्टर फिर आपने वही करना है जो आपसे सबसे बेस्ट लगे, इससे आपका गेम प्ले लाइक 50% से भी ज्यादा इंप्रूव होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप के बारे में, टिप नंबर 4। अगर किसी ने अभी तक वीडियो स्किप की होगी ना तो यकीन मानो उसका बहुत नुकसान हुआ होगा, क्योंकि अगर ये वाला टिप आप सही यूज ना करो ना तो आप सारे क्यों ना सीख लो, सारे टेक्निक मास्टर क्यों ना कर लो, आपसे हेडशॉट नहीं लगेंगे। एंड इस ट्रिक का नाम है हाफ सेकंड रूल। हाफ सेकंड या 1 सेकंड कह दो ना, मतलब कंफर्म किसी को पता नहीं होता, ये तो हम अपने दिमाग से बता रहे हैं। एंड इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है, भाई सिंपल है भाई। जब आप एनिमी की तरफ रश मारो एंड आप फायर करो, चाहे आप जंप मार के पोजीशन ले रहे हो, चाहे आप कवर से बाहर निकल के पोजीशन ले रहे हो, जो भी पोजीशन हो, आपने तकरीबन हाफ या 1 सेकंड एनिमी को जरूर वेट करना है। इससे दो चीजें होगी। सबसे पहले चीज ये होगी कि आप उस हाफ सेकंड के अंदर अंदर जरा सोचना है, ये मतलब उस टाइम आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन जब आप हाफ सेकंड वेट करोगे तो आप अंदाजा लगा सकोगे कि यहां पे मैंने कौन सा टेक्निक यूज करना है। ये ऑटोमेटिकली फिर हो जाता है, इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी कि मुझे कैसे पता लगेगा। बस आपने सिर्फ ये करना है कि हल्का सा हाफ सेकंड वेट करना है। एंड सेकंड थिंग ये होगा ना कि सामने एनिमी पैनिक हो जाएगा, वो आप पे पहले फायर करेगा, एंड अगर एनिमी सीधा हो जाए तो वो तो आपको पता है फिर वो गया खत्म, अगर आप फिर सही टेक्निक यूज करो। ये हाफ सेकंड रूल आपने जरूर याद करना है। जो भी ट्रिक यूज करो आप, सबसे पहले आपने जरा सा वेट करना है एंड उसके बाद आपने यूज करना है, इससे आपके हेडशॉट चांसेस 100% ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट ट्रिक के साथ साथ अब मैं आपको एक बोनस चीज भी दूंगा, क्योंकि आपने वीडियो आखिर तक देखी, आपने स्किप नहीं की। इस बोनस चीज की वजह से आप काफी इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे ये सारे टेक्निक्स। मैं आपके साथ एक चार्ट, मैंने खुद ये चार्ट बना लिया आप लोगों के लिए, मैं सारे टेक्निक्स बता दूंगा, कौन सा टेक्निक कौन से रेंज के लिए बेस्ट है, शॉर्ट के लिए कौन सा है, मिड के लिए कौन सा है, लॉन्ग रेंज के लिए कौन सा है। तो इसको ज़हन में रखना है। एंड हाँ, इतना बता दूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो थोड़ी बहुत गलती मुझसे हो सकती है, लेकिन मैं इसी तरह करता हूं एंड मेरे हेड ठीक ठाक लग रहे हैं। ओके, सो लास्ट ट्रिक जो है वो है सेंसिटिविटी। सो सेंसिटिविटी के बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई सेंसिटिविटी कोई मैजिकल सेंसिटिविटी होती है कि अगर हमें वो मिल गई तो ऑटोमेटिकली हमारे हेड लगेंगे, हमने सिर्फ ड्रैग करना होता है। नहीं, सेंसिटिविटी के बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होता है, प्रोसेसर के हिसाब से, डीपीआई के हिसाब से, माउस के हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से, रैम, सब कुछ के हिसाब से अलग अलग सेटिंग्स होती है। तो बस आपने सिंपली ये करना है कि आपने अपने हिसाब से बेस्ट सेंसिटिविटी बनानी है, जनरल रेड डॉट वगैरह सब कुछ जो भी हो, एंड उसके बाद ये टेक्निक आपने, ये जो टेक्निक मैंने बताया, आपने ये ट्रेनिंग में ट्राई करने हैं। अगर आपके हेडशॉट गुजारे हाल लग रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं, गुजारे हाल लग रहे हैं, तो समझ लेना कि ठीक ठाक सेंसिटिविटी है, बस फिर आपने सिर्फ इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करनी है एंड स्लोली स्लोली आप काफी इंप्रूव कर पाओगे। अच्छा, आप ये बोनस टिप, ये चार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, इसको देख लो, सेव कर लो अपने साथ एंड फिर इसी हिसाब से आपने प्रैक्टिस करना है। राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें, ये हैकर लेवल हेडशॉट हाइलाइट्स मैंने अभी बनाए थे, तो उसको देख के ऑब्जर्व करना है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपको यकीनन पता चलेगा आपके मैंने कौन सा टेक्निक कहां पे यूज किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करके जाना। एंड विद दैट सेड, अल्लाह हाफिज़।